राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। वंदे भारत एक्सप्रेस आने के बाद भारतीय रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन आया है। कम समय में लोग बेहतर सुविधाओं के साथ लंबी दूरी का सफर तय कर रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए देश के प्रमुख पवित्र स्थलों को भी जोड़ा है। इससे तीर्थ स्थलों की यात्राएं निर्बाध बनी हैं। शनिवार को पीएम दो और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस के 13 परिचालित मार्गों में से 4 महत्वपूर्ण मार्ग भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों को जोड़ते हैं, जिनमें नई दिल्ली वाराणसी, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस शिरडी और सिकंदराबाद तिरुपति शामिल है। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 744 की सड़क परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना दक्षिण के कुछ सबसे पवित्र स्थलों जैसे मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, श्री विल्लीपुथुर में अंडाल मंदिर और केरल में सबरीमाला में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से तीर्थयात्रियों को लाभ होता है, साथ ही व्यापार को बढ़ावा देकर रोजगार सृजित करके और आतिथ्य हस्तशिल्प तथा खाद्य सेवाओं जैसे सहायक उद्योगों के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मदद मिलती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 अप्रैल को तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जाएंगे। इस शनिवार रविवार को दक्षिण भारतीय राज्यों की यात्रा करेंगे। वो सबसे पहले शनिवार को तेलंगाना जाएंगे, फिर सिकंदराबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद वे परेड ग्राउंड में हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम इसके बाद चेन्नई जाएंगे। वहां 3 बजे वो चेन्नई एयरपोर्ट्स के नए इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। वहीं 4 बजे MGR रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। फिर 4:45 बजे वो रामकृष्ण मठ मैलापुर में रामकृष्ण मठ के 125वें जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम 6:30 बजे एल्स्टम क्रिकेट ग्राउंड पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं रविवार सुबह 7 बजे कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।